दोस्तों आज की कहानी है बहू ये टिफिन में क्या भर के ले जा रही हो तुम्हारी दादी सास के लिए। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे बहू ये टिफिन में क्या भर करके ले जा रही हो। उसे बुढ़िया के लिए तो सिर्फ दाल और रोटी ही काफी है। इतना बड़ा टिफिन क्यों? मोहिनी जी ने अपनी बहू शीला से कहा। माँ जी जब हम सब दाल रोटी चावल सलाद रायता और पापड़ आदि ये सब खाना हम खाते हैं तो फिर दादी जी लिए सिर्फ दाल और रोटी ही क्यों? खाने में भी दुबात क्यों करना? खाना सभी के लिए समान होना चाहिए ना कि असमान। शीला ने सवाल पर सवाल दागते हुए कहा। तुझे पता है ना बहू कि वो बुढ़िया बस बिस्तर में ही पड़ी रहती है। चलने फिरने में उसे जोर आता है और तू उसे इतना टिफिन भर कर देगी तो सारा सट कर जाएगी और फिर बिस्तर बिगाड़ देगी। इसलिए उसे कम की खाना दिया कर ताकि बिस्तर खराब ना हो, वरना उसके गंदे कपड़े और बिस्तर मुझे ही साफ करने पड़ेंगे। मोहिनी जी ने कहा, माँ जी आप दादी को भरपेट खाना ही कब देती हो? जब से दादी जी के पैर की हड्डी टूटी है आपने तो उनसे ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे वह आपकी कुछ गलती ही नहीं है। आपको तो उनका ख्याल रखना चाहिए था। पौष्टिक भोजन देती तो दादी जी का पैर जल्दी ठीक हो जाता, लेकिन आपने तो दादी जी को कभी एक गिलास दूध भी नहीं दिया, बल्कि उन्हें कोसती रहती हो। न जाने कब इस बुढ़िया से पिसा सूटेगा। और जब दादी जी किसी दिन हमें छोड़कर चली जाएगी उस दिन तो दुनिया को दिखाने के लिए आंसू बहाओगी। हर महीने के श्राद्ध पर उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाओगी बस दिखावे के लिए। और जब आज दादी जी जिंदा हैं तब उन्हें भरपेट खाना खाने भी नहीं दे रही हो। जैसा आप इनके साथ कर रही हो ऐसा न हो वही आपको भी भोगना पड़े, क्योंकि ये नियम तो सभी के साथ लागू होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसलिए आपके लिए भी अच्छा होगा कि आप दादी जी के प्रति अपना व्यवहार सुधार ले।
उन्हें भी खाने में वही सब चीजें दे जो हम सब खाते हैं, ताकि वह जल्दी से ठीक हो सके। शीला ने अपनी सास को समझाते हुए कहा, मोहिनी जी की सास की जब से पैर की हड्डी टूटी है, तब से मोहिनी जी ने अपनी सास से कभी सीधी मोह बात तक नहीं की। शीला अपनी दादी सास का बहुत ही ख्याल रखती थी। घर में जो भी खाने पीने का सामान बनता, वह दादी जी को खिलाने उनके कमरे में पहुंच जाती। यह देखकर मोहिनी जी को बड़ा गुस्सा आता, लेकिन शीला के ऊपर उनके गुस्से का कोई असर नहीं होता था, बल्कि वह तो अपनी सास को एहसास दिला देती थी कि वह दादी जी के साथ कितना गलत कर रही है, क्योंकि बुढ़ापा तो सभी को आता है और इंसान को सबसे ज्यादा बुढ़ापे में अपनों की जरूरत पड़ती है। आज शीला के शब्दों ने मोहिनी जी को एहसास दिला कि वह अपनी सास के साथ कितना गलत कर रही थी। मोहिनी जी ने शीला के हाथ से टिफिन लिया और सब ही दादी के कमरे में गई और दादी को बड़े प्यार से पलंग पर से खड़ा किया और अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। दादी जी बच्चों की तरह खाना खाने लगी और मोहिनी जी अंदर ही अंदर अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा होने लगी। शीला दादी जी के कमरे का नजारा देखकर खुश थी कि सलो देर आए दुरुस्त आए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।